खरगोन जिले के सेगांव में कृषि मंत्री सचिन सुभाष यादव ने गौशाला और मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण कर 2511 किसानों का 15,63,00,000 फसल ऋण माफी योजना में प्रमाण पत्रों का वितरण किया। जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत द्वितीय चरण में किसान सम्मान पत्र और फसल ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण का तहसील स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजन मातेश्वरी संस्था प्रांगण में सेगांव में किया गया। आयोजित किसान सम्मेलन में प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर विकासखंड के 2511 किसानों के 15,63,00,000 ऋण माफी प्रमाण पत्रों का वितरण किया और अपने उद्बोधन में बताया कि अभी तो सरकार ने 365 दिनों में 365 वचन पूरे किए हैं, यह तो ट्रेलर है। अभी हमें काम करने के लिए 4 साल और बचे हैं, पिक्चर अभी बाकी है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक केदार सिंह डावर ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती कमला डावर अध्यक्ष जिला पंचायत खरगोन और विशेष अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर गोपाल चंदाट, जिला पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे उपस्थित रहे। वहीं समारोह के पूर्व कृषि मंत्री यादव ने 3,500,000 की लागत से बनने वाली मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला और 27,72,000 की लागत से बनने वाली देवी लाल भाई फूल भाई माताजी कामधेनु गौशाला का लोकार्पण किया। सेगांव संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आदिवासी कृषक बंधुओं, माताओं, बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आज आपके ऋण माफी के दूसरे चरण के पैसे आपके खाते में आ रहे हैं और आप कर्ज मुक्ति हो रहे हैं। यह मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले उन्होंने किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की थी और अपने वचन पत्र में लिया था कि हम 10 दिन के भीतर 2,00,000 तक के कर्ज मुक्ति हमारे प्रदेश के किसानों की करेंगे और आज विफल तंत्र ऐसी परिस्थितियों में आदरणीय साथियों ये प्रदेश हमको मिला, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के अनुभवी और कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन सारी चुनौतियों को पार किया और मध्य प्रदेश की जनता की उम्मीदों और भावनाओं के और आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया। आप सब जानते हैं कि अभी सरकार को बने हुए विधानसभा क्षेत्र की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार के सारे मंत्रियों को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार का और जिन परिस्थितियों में, जिन हालातों में ये मध्य प्रदेश हमको मिला, एक ऐसा मध्य प्रदेश हमको विरासत में मिला जो किसानों की आत्महत्या के मामले में देश में नंबर था, एक ऐसा मध्य प्रदेश हमको विरासत में मिला जो महिलाओं पर अत्याचार, ये हमने योजना हम लोगों के लिए बनाई है जहाँ पर किसान साथी जो है जब ऐसी स्थिति निर्मित होगी तो 4 महीने तक जो हमारी जो मंडी प्रांगण है उसके 15 किलोमीटर के रेडियस में जो भी भंडारण की व्यवस्था होगी, भंडार के जो गोडाउन होंगे वहाँ पर किसान 4 महीने तक अपनी फसल को रख सकता है और 4 महीने का जो भी गोडाउन का किराया होगा वो सरकार वहन करेगी और जब 4 महीने के अंतराल में जब हमारे किसान साथी को लगेगा कि बाजार में उसकी उम्मीद के अनुसार जो है उसकी फसल के दाम मिल रहे हैं तो उसको बेच सकेगा और इन 4 महीने में अगर किसान साथी को किसी ऋण की आवश्यकता पड़ती है, किसी पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो उस फसल के एवज में, भंडारित फसल के एवज में जो है उसको ऋण दिलाने के काम भी होगी। मिर्च महोत्सव आयोजन होगा, बड़े पैमाने पर असरावर में आयोजन होता है, तैयारियों को लेकर तैयारियों में जो कोशिश की जा रही है, देखिए हमारी ये सोच है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तो ये सोच है कि हमारे जो प्रदेश हैं, हमारे प्रदेश में हर जिले की जो प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख फसलों को चिन्हित करके उनकी ब्रांडिंग की जाए और उनके लिए वो सारी व्यवस्थाएं जो है स्थापित की जाए, चाहे वो प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो, चाहे वो स्टोरेज की व्यवस्था हो, ऐसी सभी व्यवस्थाएं स्थापित की जाए और साथ ही साथ विषय विशेषज्ञों को बुला करके उस फसल से जुड़े हुए जो विधानसभा के चुनाव में हमने प्रदेश के मतदाताओं को जो वचन दिया था उस वचन को पूरा करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार हमारे द्वारा काम कर रही है।
हमने ऋण माफी का कार्यक्रम है उसको चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं। प्रथम चरण में हमारी सरकार ने 20 लाख से अधिक किसानों को लगभग 7,000 करोड़ रुपये का ऋण माफी का लाभ दिया। प्रथम चरण में उन किसानों को ऋण माफी का लाभ दिया जिनके कालातीत खाते थे उनका पूरा 2 लाख तक का ऋण माफ करने का काम किया गया और जिनके चालू खाते थे उनको 50,000 तक का ऋण माफी का लाभ देने का काम किया गया। दूसरा चरण की शुरुआत हमने करी है और इस चरण में उन किसानों को लाभान्वित करने का काम किया जाएगा जिनके चालू खाते हैं उनको 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख तक का जिनका ऋण है उनको इसका लाभ दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर किसी कारण से मेरा कोई किसान भाई जिनके कालातीत खाते थे प्रथम चरण में वो रह गया था तो उसके खाते में कोई जो भी त्रुटियाँ थी सभी त्रुटियों में सुधार करके दूसरे चरण में उनको भी इस योजना का लाभ देगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।